You get out of my car. निकल जल्दी। मैंने इस गाड़ी के पैसे भरे हैं, पूरे लोन समाप्त किया मैंने अपने पैसों से, और तुमने बताया तक नहीं कि तुम्हारे पास इतने हैं। क्या खास बात है गन्ने के खेत में? हम फॉर्च्यूनर ले सकते थे। तुम अपनी ऐसी तैसी करा लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊं। मैं अभी करवा लूंगा अपनी ऐसी तैसी, जब से मुझे पता चला है कि तुम रिची रिच हो। भाई ऋषि, तू अमीर बाप की औलाद नहीं है, तू अमीर माँ की औलाद है। अभी तो तू जो बोलेगी वो मैं करूंगा, जाने मन पैर दबा दू। थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? पति की रिस्पेक्ट करना सीखो, ठीक है? तुम अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करना सीखो, ठीक है? बीवी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जब उनके पास बहुत पैसा हो। आज हम पता नहीं क्यों जा रहे हैं ये सरदार जी की दुकान पे, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छी लिफ्ट लगा रखी है, कारीगरी वाली। तू क्या देख रहा है? चल दुश्मन कहीं का। हम पहुंच गए कारीगरी। उसका नाम ऋषिका है? हाँ, उसका नाम ऋषिका। मुझे आज तक पता ही नहीं। तुम्हें कुछ पता है? इशू नहीं था उसका नाम? हाँ, तो इशू का फुल फॉर्म ऋषिका है ना। बर्थडे बॉय तो सो रहा है। इशू, मेरे को आज पता चला तुम्हारा नाम ऋषिका है। कैसे? एग्जैक्टली वो उन्होंने बताया। बताइए, अपनी फैमिली को पता ही नहीं है नाम ऋषिका है? तुम्हें पता था? इसको फिर ही पता था। ये बुलाता भी खरगोश था। राज खुल गया आज तो। हाँ बिल्कुल। मम्मी आपको पता था आपकी बहू का नाम ऋषिका है? पापा आपको पता था? मैं पापा को भी नहीं पता था। गाइस, यहाँ की निधि, खाना आने से पहले फोटोग्राफी होनी चाहिए, वरना खाना पचता नहीं है। बहुत टाइम बाद मौका मिला है। हमारे चारों तरफ ऐसे लोग हैं। ऐसे लोग आपको सब जगह मिलेंगे, हर फैमिली में मिलेंगे। नॉर्मल बटर रोटी, खमीरी रोटी, दाल, पनीर, लेट्स गो। यार इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम नहीं है, है ना? हाँ, मुझे लगता है एक और बोल देना चाहिए। कैरव, कैरव, मैं आता हूँ। मैं मुझे आपने पराया क्यों कर दिया इतनी जल्दी? कैरव, मैं अपने तरीके से आऊंगा। और ये मिलता है कैरव का फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम फुफू। कैरव इधर बैठना, इधर पैपू। मैं पहले करूंगा। लाई दो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऋषि, भैया को धक्का दो। अरे भैया को मत धक्का दो, भैया की गाड़ी को धक्का दो। चलो किसी तरीके से तो खेल रहा है ना, खेल रहा है ना। गिफ्ट कामयाब हुआ। ऑल माय चॉइस। बस हो गया आज के लिए, इतना ही है ना। वाओ, ये किसने करा है पूरा? ये हम दोनों ने मिलकर। सही है यार। इस चीज के पैसे लगते हैं बाद? तीन चार हजार। जो मम्मी हमने करवाया था कुछ भी नहीं था बताओ उसमें। बाद में ऐसा लग रहा था हम खुद कर सकते हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं। हमने बल्कि दो बार ही किया, रात को ऐसा करके सोए, सुबह उठे तो वो सारा का सारा नीचे आ गया। फिर दोबारा से किया, मोई मोई हो गया होगा। सुबह सुबह बच्चों के टाइम पे क्या क्या खिलौने आ गए हैं। एक हमारा जमाना था, हमारे जमाने में वो पैडल मारने वाली साइकिल ही आती थी सिर्फ, और बैट बॉल। वाह बेटे वाह। अभी गोवा का प्लान बन रहा है ना, इसको लेके चलते हैं। असल वाले जो क्रैब्स होते हैं ना, उनके पास छोड़ देते हैं। तू डर क्यों रहा है? दूर से खेल रहा है वो, एक देख, डेयर डेविल। ये हो गया है मस्त कैमरे का सेटअप। अभी क्या है ना, बहुत टाइम से अपनी सासू माँ के ऊपर कुछ हमने मजाक नहीं करा है। सीन ये है, मैं और शिल्पा गंदा लड़ने वाले हैं अभी, और मम्मी को लगेगा हम एक्चुअल में लड़ रहे हैं, और मम्मी को पूरा का पूरा शक हो कि हम सच्चे में लड़ रहे हैं, तो इसमें होगा खूनम खान, नॉट एक्चुअली खून। पहले हम सीन क्रिएट करेंगे सो दैट मम्मी को लगे कि हमारे बीच में एक्चुअली टेंशन चल रही है, एंड उसके बाद फाइनल एग्जीक्यूशन। चलो आ जाओ। हाथ कम चला। हाँ तो तुम अपने हाथ संभाल के रखो। तुम अपने हाथ संभाल के रखो। मम्मी, बुद्धी पे मार दिया यार, इतनी जोर से कौन मारता है यार। तुम हाथ संभाल के रख लो। इतनी जोर से कौन मारता है यार। मम्मी इसको ले जाओ। बोल रही हूँ हाथ मत चला। तुमने हाथ चला मेरे, इतनी जोर से बुद्धी पे मारा यार तुमने। उसे बुद्धि बताओ पहले।
मम्मी देख रहा कैसे पिलो फेंक रही है। इसके हाथ बहुत ज्यादा तेज चल रहे हैं, इतनी जोर से इसने मेरे सर पे पीछे मारा है ना। तुम्हारे हाथ कम चल रहे हैं? मेरे हाथ कम ही चलते हैं। मम्मी इसको ना समझाओ। मम्मी इसको समझा लो। इसे मुंडा भी ऐसे बोल रहा है ना। ये इतनी जोर से कौन मारता है? मैंने कुछ कुछ कह रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उल्टा सा कह दूं तो फ्रिज पर इतनी देर से कौन छेड़ रहा था? आपको मैं हर चीज सोच रही हूं। जब मैं तुम्हें बोल रही हूं मत करो मत करो मत करो। तू ना हाथ कम चलाया कर, मैंने मारा ना तो बहुत जोर से लग जाएगी, उठा के चोक स्लैम देना, उठ नहीं पाओगी। हो गया भाई, ऐसे मेरा घर है, जाना तुम जाओ। चुप हो जा, ठीक है? उसको कुछ नहीं कहोगे? चुप हो जा, चुप हो जा। औलाद को संभाल पहले अपनी, वो देखो उसको मारोगे। अब बोल, जब बोला कि तू पिट जाएगी मेरे से, पता है अच्छे से कि मैं तुझे ढूंढ लूंगा, उसके बाद भी भाई ऐसे। सिनेरियो टू, लेट्स एग्जीक्यूट। शिल्पा कहाँ चली गई? शिल्पा लहू लग गया। मम्मी का है यहीं पर ही गिरी। लगी है उसकी मम्मी, स्लिप हो गई है। इधर कहीं लगी है क्या? लग गई है। क्या हो रहा है? स्लिप कैसे हो गई? क्या हुआ? स्लिप कैसे हो गई? कहाँ लगी है? है दिखा। स्लिप कैसे हो गई शिल्पा? शिल्पा हाँ तो हंसी तो आएगी, जब मैं गिरता हूँ तो तू नहीं हंसती है? दिख गया मम्मी को कैमरा, दिख गया। इम्प्रोवाइज करना पड़ गया यार। मम्मी आप सीरियस हो गए थे, आप सीरियस हो गए थे। कितनी जोर से हंस रहा था। हमने ना इम्प्रोवाइज करा, हम पहले लड़के गिरने वाले थे लेकिन शिल्पा पहले, मम्मी पहले आ गई और शिल्पा पहले गिर गई। मम्मी खून ये भी मिली हुई थी, ये ये मिली हुई थी। इसने कहा था कि मम्मी के साथ ऐसा करते मैं चली जाती हूँ फ्रूटी के बहाने। बट तुम मम्मी के साथ ऐसा कर रही हो। मम्मी देखो, मेरे को अब तुम पे गुस्सा आ रहा है, ठीक है? और तुमने मम्मी के साथ ऐसा करा, ऐसा मजाक सही नहीं है। अब ये देखो, मम्मी ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा और मेरा पे सारा फोकस था। मम्मी तुमसे लड़ी भी नहीं क्योंकि तुम ऐसी हरकतें करती हो मम्मी के साथ। तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए था कि मेरी बेटी को लगी ना। तुम्हें मम्मी के साथ ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल चुप। अब आगे से तुम्हें चोट लगेगी तो मम्मी वापस आएंगी भी नहीं तुम्हारे पास। चुप। क्यों? वो भेड़िया वाली कहानी तो सुनी होगी जंगल। क्योंकि भेड़िया यहाँ पे तुम हो। और तू क्या है? मैं वो जो चरवाहा होता है। कुत्ती? नहीं वो कुत्ती। चुप। जो अपनी भेड़े चराता है चरवाहा, मैं वो हूँ और तुम भेड़िया हो। तुम सारी फसाद की जड़ हो। वो धो लो। धो ले।
ठंडा पानी यही दो, बस किए तो यही दो। मम्मी 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 एक बार इधर आओ, आप शिल्पा के ऊपर कुछ टिप्पणियां देना चाहोगी जो इसने आज आपके साथ हरकत करी? मैं बिल्कुल नहीं सहता, मैं घर से बाहर निकाल देता। ओ क्या कह रहे हो, आपने ऑलरेडी निकाल दिया है? पर क्वाइट लॉजिकल है। क्या कहना चाहोगे शिल्पा की इस हरकत पे, जब इसने फेक ब्लड अपने ऊपर डाला और उसके बाद आप सीरियस होकर आई कि मेरी बेटी को लग गई है चोट और उसके बाद वो आपके सामने कर रही थी? नहीं करना चाहिए था ना ऐसे, इसलिए कह रहा हूँ अभी निकाल दो घर से बाहर, आज इसको बाहर सुलाओ ठंड में। माइंडेड बाहर 9 डिग्री हो रहा है इस टाइम। चल हमें जागरण का इनवाइट आया, लेट्स गो। तो मैं ऐसे बीच रात इस गली में 50,000 के लिए चैलेंज दिया जाए कि तुम सो जाओ, तो क्या तुम सो जाओगी? नहीं मतलब सिर्फ चैलेंज के लिए मैं तो सो जाता, तुम मुझे 50,000 दे दे। चल एक खेत में Here I come. Do know that I'm not serious about all this. खेत में क्या हो गया? अरे तुम्हारा बुढ़ापा इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? Run. पकड़ी नहीं गई। मैं जूते भी ढंग से नहीं डाले थे। ये एक हाथ में जूता लेके ऐसे दौड़ रही है। ये सब तुम्हारी गलियों में ही हो सकता है, हमारी सोसाइटी में बहुत मुश्किल है। तुमने आज तक कभी जागरण अटेंड करा है? मैंने नहीं करा क्योंकि मेरे से जगना होता नहीं है, वो बात अलग है। उसके बाद कॉर्पोरेट में आने के बाद एक साल सिर्फ मैंने नाइट शिफ्ट करी है 12 से 6 एलिसन टेक्नोलॉजीज जो कि आज कैपजेमिनी कहलाती है। हम दोनों ये वाली हरकतें बहुत बार कर चुके हैं ना, गेट नॉक करके भागना और हर बार तुम ही फंसती हो क्योंकि तुम भाग नहीं पाती मेरे से तेज। आई एम फैस्टर। वल्नरेबल हूँ। खैर गाइस, होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। यहां तक अगर आपने अगर देख लिया है तो प्लीज कृपया करके लाइक जरूर करके जाना, आलसीपना मत दिखाना। वीडियो एंजॉय तो कर ले तो लाइक नहीं मारते हो, और सब्सक्राइब भी दबाई देना प्लीज, बहुत हेल्प होती है, हमारी मोटिवेशन मिलती है। एंड विद दैट सेड, हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियां बांटते रहो, फिर मिलेंगे। चलते चलते। बूम। ओ, ये हर जगह को अपने बाप की समझ लेता है एक, तो लेकर आए इसको वापस।